गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कंसेप्ट बतलाया था। आज मैं वहीं से रिवाइज करते हुए स्टार्ट कर रहा हूँ। और ऐसे भी आप जब भी कोई सब्जेक्ट आप पढ़ें, फीलिंग आनी चाहिए, यू हैव टू फील सब्जेक्ट। और आप सब लोग जानते हो, करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परे निशान। ये दो पंक्ति मुझे लगता है कि शिक्षक और विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ा लेसन है। आप अभ्यास प्रैक्टिस से ही आप सब्जेक्ट फील कर सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं अपने क्लास में कि रूट को आप पकड़े रहो। जो वृक्ष रूट को छोड़ देता है, यानी कमजोर हो जाता है, उस वृक्ष का पतन हो जाता है। रूट का मतलब फंडामेंटल कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। हमने आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के लिए जो कंसेप्ट दिया था वो 2C प्लस 2 प्लस N प्लस P माइनस H माइनस हैलोजन डिवाइडेड बाय 2। 2C प्लस 2 प्लस N प्लस P माइनस H माइनस हैलोजन डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बराबर 1 पाई हो सकता है या 1 रिंग हो सकता है। ये आप कंसेप्ट तब अप्लाई करेंगे जब स्ट्रक्चर दिया हो। आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आइडेंटिफाई आप कर लेंगे। और प्लीज, जो लेक्चर आपके सामने चल रहा हो, आप उस पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। मैं और आप मिलकर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का कंसेप्ट सीख लेते हैं। मैं यदि आपको सिखा देता हूं या आप सीख लेते हैं, तो ये जो मेहनत है मेरा और आपका, वो सफल हो जाए। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूं, 2C प्लस 2 प्लस N प्लस P माइनस H माइनस हैलोजन डिवाइडेड बाय 2, 1 dB बराबर 1 पाई बराबर 1 रिंग। आप एक शॉर्ट नोट्स बनाएं और उस शॉर्ट नोट्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसको आप लिखते चले। जैसे जो लास्ट डे जो मेरा लास्ट लेक्चर था और अभी जो लेक्चर स्टार्ट किया हूँ, इसमें ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सो यू कैन राइट डाउन ऑन योर शॉर्ट नोट्स एंड आप उसे बार बार रिवाइज करें। लास्ट लेक्चर में मैंने जो एग्जांपल दिया था, वह एग्जाम्पल
आपका बाईसाइक्लो से मैंने स्टार्ट किया, जो लास्ट एग्जांपल मैंने दिया था वो आपका ये एग्जांपल था। दिस इज अ बाईसाइक्लो, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सपोज करें कि आप थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये कितने रिंग हैं, तो आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। हियर नंबर ऑफ कार्बन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 1, 7। योर फॉर्मूला इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बराबर 2C प्लस 2, नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं है सो आप उसे लिखने की जरूरत नहीं है, 2C प्लस 2 प्लस N प्लस P माइनस H, यू कैन राइट ओनली H, हैलोजन भी नहीं है, डिवाइडेड बाय 2। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स हियर 7, 2 इंटू 7 प्लस 2 माइनस H, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, divided by 2, 16 minus 2 divided by 2, this is equal to 2, it means it is bicyclo compound. Bicyclo compound, it means double bond equivalent बराबर 2। Now we can consider another example. This is also bicyclo compound. Double bond equivalent. Next, I am giving you example. DV. Identify double bond equivalent. आप अपने नोटबुक पे इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल।
दिस इज क्यूमेन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, एंड ऑल्सो राइट IUPAC name. मैं आपको इसका IUPAC name बता रहा हूं. यदि एक से ज्यादा रिंग दिए हुए हो, लाइक बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो, टेट्रासाइक्लो, पेंटासाइक्लो, तो आप उसका कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे? बाईसाइक्लो बहुत इजी है, मैं अपने नोमेनक्लेचर वाले लेक्चर में बताऊंगा. यदि आप ट्राईसाइक्लो, टेट्रासाइक्लो, पेंटासाइक्लो का नोमेनक्लेचर करना चाहें तो आप इसे बाईसाइक्लो की तरह ट्रीट करें. यहां पे हर एक कार्बन आपका ब्रिजेड है. मैं यहां पे दो ब्रिजेड कंसीडर कर रहा हूं और इस दोनों ब्रिज हेड से आप बाईसाइक्लो की तरह दो रिंग आप कंसीडर करें. और ऐसे आप रिंग कंसीडर करें जिसमें से एक रिंग एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड के बीच नंबर ऑफ ब्रिज कार्बन मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर, जैसे ये हमने दोनों ब्रिज हेड कंसीडर किए, आप इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड के पास आए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स. नाउ वी स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम वन ब्रिज हेड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये आपका नंबरिंग पैटर्न है. दिस इज अ पेंटासाइक्लो बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स एट है. टू इंटू एट प्लस टू एटीन माइनस टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स एट है. 10 divided by 2, 5. This is the pentacycle. This is your pentacycle. Pentacycle. Now this is your parent bridge head. एक bridge head से दूसरे bridge head के पास आने में total number of bridge carbons फोर है. सो यू राइट द फोर. नाउ दिस साइड इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द वन, दिस इज योर ब्रिज कार्बन, दिस इज योर ब्रिज कार्बन एंड दिस इज योर ब्रिज हेड. सो टू इन बिटवीन द वन एंड सिक्स इन दिस डायरेक्शन देयर इज नो कार्बन. सो यू राइट another pair of your bridge heads 2, 5, 3, 8, 4, 7 are also bridge heads. So in bridge head के बीच कितने कार्बन है वो आपको identify.
से 2 और 5 के बीच 0, सो यू राइट 0 टू 5, 3 8 हैज 0 आल्सो, 0 3 8 एंड आल्सो 0 4 7. पेंटा साइक्लो 4 2 0, 0 2 5, 0 3 8, 0 4 7 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर 8, सो यू राइट द ऑक्टेन. नाउ अनदर क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन योर क्यूबेन. कितने बॉन्ड ब्रेक करने पर यह मोनोसाइक्लिक हो जाएगा? लिसन केयरफुली. क्यूबेन में कितने बॉन्ड ब्रेक करना पर यह मोनोसाइक्लिक? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विच कैन ब्रेक टू फॉर्म अ मोनोसाइक्लिक कंपाउंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्यूबेन दिस इज C8H8. And for monocyclic, it has molecular formula C8H16. C8H16, it means आपको 8 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा. एक हाइड्रोजन ऐड करने का मतलब है कि आप एक बॉन्ड ब्रेक करोगे तो 2 हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, यानी कि आप 4 बॉन्ड ब्रेक करेंगे ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड. सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो आप ब्रेक करोगे मोनोसाइक्लिक बनाने के लिए वो आपका 4 बॉन्ड C8H8 बनाने के लिए, C8H16 बनाने के लिए 4 बॉन्ड्स आपको ब्रेक करने हैं. सर अब ये आपके लिए होमवर्क है कि कौन कौन सा बॉन्ड आप ब्रेक करके आप इसे मोनोसाइक्लिक बनाओगे. इस क्यूबेन में कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक करने पर यह मोनोसाइक्लिक बन जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क है. नाउ अनदर क्वेश्चन फॉर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कंसेप्ट. आपके दिस इज एंथ्रासीन. First,
एंड सेकंड. डिफरेंस ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या हो, ये आपके लिए क्वेश्चन. Another questions, double bond equivalent के लिए. डबल बॉन्ड मैं आपको कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रहा हूं जिसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आप आइडेंटिफाई करेंगे, ये अपने स्टडी पैकेज में भी है, विजन क्लासेस के जो स्टडी पैकेज उसमें भी है. कैलकुलेट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट of falling compounds. Calculate double bond equivalent of falling compounds. C9H12 आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2C+2+N+P-H-halogen/2 B C10H8SO5N4Cl2 C5H11OCl. CPH4PH phenyl C6H5 Next question C2PH4F
C11H3F4Cl5Br3D2T जी, हियर यू कंसीडर ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम एज ए हाइड्रोजन. C7H2I3F H C3O2 I C4 O4 इन क्वेश्चंस को आप जरूर बनाओगे, आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2C+2+N+P-H-Halogen/2. कहीं भी फ्रैक्शन आता है तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कुछ मिस्टेक है या वो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हो सकते हैं, लाइक कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन. बाद के लेक्चर में मैं और भी क्वेश्चंस आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या हाइड्रोजन डिफिशिएंसी इंडेक्स पे मैं क्वेश्चंस दूंगा ताकि ये टॉपिक आपके रिवाइज रहे. अब मैं टॉपिक आइसोमेरिज्म पे आ रहा है. यदि हम लोग आइसोमेरिज्म को डिफाइन किया जाए तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. मतलब वैसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी समान. मतलब ऐसे कंपाउंड्स दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो और उनके प्रॉपर्टी जो फिजिकल या केमिकल या दोनों वो आपका डिफरेंट होना चाहिए. जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लूं,
आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका दिया है, C2 H6O, आप देखें इनका जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 दिया गया है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बराबर एल्कोहल का भी होता है और इथर का भी। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के दो कंपाउंड्स हो सकते हैं, एक CH3CH2OH, एक आपका डाइमिथाइल इथर। इस दोनों कंपाउंड्स इज योर इथाइल एल्कोहल, एंड डाइमिथाइल इथर। इन दोनों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है। इन दोनों कंपाउंड के जनरल फॉर्मूला भी समान है और इन दोनों कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हाइड्रोजन डिफिशियंसी जो इंडेक्स है वो भी आपका इन दोनों कंपाउंड का समान है। लेकिन यदि हम बात करें इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के, इसका बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्स 78 डिग्री और ये 30 डिग्री। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, इन दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग, लेकिन ये दोनों कंपाउंड आइसोमर्स का है। इट मींस वी कैन से द अकरेंस ऑफ टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। And phenomenon is called isomerism. Isomerism, ये दोनों compound isomers हैं। Isomers, isomerides, आइसो का मतलब आइसोज मतलब सेम, मेराइड्स का मतलब या मेरस का मतलब पार्ट। ये दोनों कंपाउंड या दोनों आइसोमर्स एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के पार्ट हैं और इन दोनों का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। आप इसे आइसोमर्स कहेंगे। सो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन शुड बी क्लियर। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड फेनोमेनन इज कॉल्ड
आइसोमर। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज वॉट एवर आई हैव स्टडीड बुक्स मोर एंड मोर बुक्स आई थिंक आइसोमेरिज्म टॉपिक given by, I think, Berzelius. He has started isomerism. Now, classification of isomerism. Isomerism ke jo bhi naam aayenge ya classification aayega, wo differences pe aayega. First, types of isomerism ya classification of isomerism. First, isomerism can be classified into two parts. One is स्ट्रक्चरल। मैंने पहले ही आपको बोला है कि नाम जो आएगा वो डिफरेंसेस कॉमन सेम क्या होगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम जनरल फॉर्मूला और जो नाम आएगा वो डिफरेंसेस। फर्स्ट आपने कहा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वेरी अब नाम डिफरेंसेस पे नाम है दो कंपाउंड या दो से ज्यादा टू और मोर देन टू कंपाउंड्स और आइसोमर्स मे बी ए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इफ दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दैट इज डिफरेंट स्ट्रक्चर। दो या दो से ज्यादा आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं यदि इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्ट्रक्चर डिफरेंट एंड सेकेंड विल बी स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म टू आइसोमर्स मे बी स्टीरियो आइसोमर्स इफ दे हैव डिफरेंट स्टीरियो फॉर्मूला आई विल डिस्कस स्टीरियो फॉर्मूला व्हाट इज स्टीरियो फॉर्मूला आई विल डिस्कस नाउ वी स्टार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। पहले आप बेसिक दिमाग में रख लें कि ये स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस है। सपोज करो दो आइसोमर्स हैं which has molecular formula A, B, C, D. मैंने समझाने के लिए लिया दो isomers हैं दो compound हैं जिनका molecular formula A, B, C, D. Suppose A, B, C, D. And another compound has like sequence A, C, B, D. ये दोनों isomers, ये दोनों structural isomers हैं। क्योंकि मैंने alphabets के sequence को बदल दिया
कनेक्टिविटी को मैंने बदल दिया। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आप याद रखेंगे, मैं इस पर डिस्कस करूंगा, बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, आप देखना, सीक्वेंस ऑफ द बॉन्डिंग ऑफ देयर एटम्स विल चेंज। ए बी सी डी, दिस इज द कनेक्टिविटी सीक्वेंस, एंड हियर सीक्वेंस विल चेंज, ए देन सी देन बी देन डी। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द आइसोमर्स? दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर without taking the reference of a space, bina three dimensional, bina space ke reference liye hue, aap bata sakte ho ki ye dono structural isomers, kyunki maine sequence of bonding badal diya, both having same molecular formula A to D, both having same general formula, but they have different sequence of their bonding of atoms. So both are called structural isomers. Now stereo. Suppose two isomers jiska molecular formula A to D hai. A B C स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, यहां पे आपने क्या कहा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम होगा ही, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका डिफरेंट। In case of the stereoisomerism, sequence of bonding change नहीं होगा। Stereoisomerism three dimensional space arrangement change हो जाएगा, space में arrangement बदल जाएगा, वो कैसे? Structure change नहीं होगा, sequence of bonding change नहीं होगा, A to D can't change the sequence of alphabets, we can't change the place of A, B, C and D, always A attached to B, B attached to A as well as C, C attached to B as well as D, and D attached to the C. We can't change the placement of alphabet. Then what will change in stereoisomerism? Three dimensional arrangement. Like A, I have changed the three dimensional arrangement of C. Now you see how we change. A, B come in a face model. C and D both are stereoisomers. Molecular formula same, structural formula same, three dimensional arrangement, ये आपका different होगा। This is the basic difference between the structural and stereoisomerism. Again, I am going to repeat the definition of isomerism. Compounds or isomers having same molecular formula but different physical and chemical properties, they are called isomers, and phenomenon is called isomerism. Definition should be known. There are two types of isomerism. One is the structural and stereo. Now structural, structure different. Now difference is behind. Structural isomerism, same molecular formula but different structure. Structure different ka matlab sequence of atom, sequence of bonding of atoms, ye alag alag hoga. Yadi do compound mein
दो आइसोमर्स में, तो हम उन दोनों के बीच के जो रिलेशन कहेंगे, जो रिलेशन की बात कहेंगे, वह आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा। आइसोमेरिज्म इज ए रिलेशन, या एक रिलेशन है दो कंपाउंड के बीच। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ देयर एटम्स कभी चेंज नहीं होगा। जो एटम का कनेक्टिविटी है वो दोनों कंपाउंड में, दोनों आइसोमर्स में वो सेम होगा, बट थ्री डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होगा वह चेंज हो जाएगा, तो हम उसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे।